Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. This is Aiman and welcome back to my YouTube channel. Ramadan आने वाले, in fact ये आज last Sunday है. जब तक आपको ये video मिलेगी उस वक्त तक Ramadan start हो चुके होंगे. आप लोगों को बहुत बहुत Ramadan मुबारक. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जाएंगे. तो आज मैं आई हूँ Sunday बाज़ार, क्योंकि आज last Sunday है. मैंने कहा जो जो तैयारी करनी है Ramadan के हवाले से, जो चीज़ें लेनी है वो मैं जल्दी जल्दी ले लूँ, फिर बाद में मौका नहीं मिलता आने का. तो अभी हम आए Sunday बाज़ार, अंदर बहुत रश है. चल के देखते हैं क्या क्या वैरायटी न्यू आई हुई है. आइए शॉपिंग स्टार्ट करते हैं. ये 500 की सेल में, कोई भी ले 500 रुपए की. हाँ, इस पर रख के पहने जबरदस्त. ये इसमें 500 की सेल यार, ये तो सही है. इस पर रख के पहने. दिस वन लुक्स नाइस. किस पे रख के पहने? इस पे. अच्छा अच्छा, मैं पहनती हूँ. साइजेस मिल जाएंगे आपके पास? साइजेस जो पड़े हुए हैं मैं देखूंगा. 19-20. अच्छा, वही है सारे. बस ये वाली बहुत क्यूट लग रही है मुझे. इसमें ये साइज सही तो है इनका. ये वाइट भी अच्छी लग रही है. ये जो शॉपकीपर्स होते हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया होता है, इनकी बड़ी बड़ी मार्केट्स में ना अपनी शॉप्स होती हैं, जैसे CTC में, गल्फ में. अब वो क्या करते हैं कि जब उनके पास स्टॉक बहुत थोड़ा रह जाता है या साइजेस जो है वो एंड के रह जाते हैं, तो वो इस तरह के बाज़ारों में आके ना अपना स्टॉल लगा लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस रेंज में जो है वो बेचते हैं. चले मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि ये मेरे आ भी रही हैं कि नहीं. ये पूरा साइज़ आपका. एक नहीं मिलेगा? मिल जाएगा. ये भी इनके पास काफी. क्यूट लग रहा है वाला. इन अंकल का जो स्टॉल है वो बिल्कुल फ्रंट पे ही है और इनके पास बहुत ज्यादा अच्छी वैरायटी है आर्टिफिशियल प्लांट्स की. बिल्कुल देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये फेक हैं. अच्छा, मैंने इनसे पूछा है ये ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करते, तो आपको यहीं आकर लेना पड़ेगा. एक 150 रुपीज़ का मिलेगा ना? ठीक है. नहीं, यानी ग्रीन में ही मुझे जो है वो चाहिए. ये दिखाएगा. हाउ क्यूट. इसका ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है. पर्पल में भी है. और पिंक. पिंक तो मेरी एस्थेटिक से मैच कर रहा है. मुझे पिंक पिंक चाहिए होता है हर चीज़ में. और ये क्या है? ये नहीं, ये वाला. ये तो ये पूरा आप दे. अच्छा, बंच है. ये कितने का पड़ेगा बंच? 150 का एक है. 150 का एक है, ठीक है. ये लीजिए. थैंक यू, गॉट माय फर्स्ट परचेज. ये कितने का है? 600. सही क्या लगाएंगे इसके? 550. अच्छा लग रहा है लेकिन महंगा है. और ये 500. इसका सही लगाए ना? 300 दे दें. अंकल तो कम ही नहीं कर रहा है. ये चल भी रहा है. सी, ये कितने का है? 1500. इसमें कार्ड पड़ता है? दीदी आपके मोबाइल वाला कार्ड आ गया. अभी तो नहीं पिक्चर लेगा ना ये? अभी कार्ड नहीं है ना इसमें. कितना और कितना क्लियर रिजल्ट है. और ये कितने क्यूट है. ये कितने की है? 400. ये भी टी का है. ये टिन का है. ये वाला कितने का है? 400 का बेटा. 300 लगा देंगे. 300 नो बैड है ना, पत्ती के लिए, पत्ती रखने के लिए. 250 बताते हैं. 300 यार, ये अंकल की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं वैसे. हाउ क्यूट. 150 रुपीस. ये हार्ट शेप्ड बोल इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है. आप रमदान में इस तरह के बोल्स में जो है वो फ्रूट चाट बना के खा सकते हो. ये प्राइस भी जो है वो बहुत रीज़नेबल बता रहे हैं. इसकी 250 रुपये का बोल रहे हैं. लेकिन इसके साथ एक इशू ये है कि इसमें स्क्रैचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं ले रही हूँ. ओह, ये रबर का है. ये ग्लास है? पानी वाली नहीं पियेंगे ना इसमें? अच्छा, इसकी फ्लावर्स वगैरह पॉट रखने का. ये कितने का है? 150. तो बहुत बड़ी है. 1200 रुपए की चप्पल अच्छी है इसके पास. वो वाली दिखाओ, वो कलरफुल वाली. हाँ यार, इतनी भारी क्यों है? वो इतनी हेवी है ये. और ये तो मेरे आ भी नहीं रही है. ये 800 रुपए की है बाय द वे.
हाँ ये वाली भाजी 300 रुपए की, 300 की है। कोई दरी है, कोई पिंक कलर में है आपके पास? ये सर आपके पास देखे हुए, देख ले आप इसी दरी में ना कोई पिंक। ये देखो चार चंद, नहीं ये नहीं चाहिए। ये वाली दिस वन नहीं, ये इतनी अच्छी नहीं है। एक मिनट बताती हूँ। वैसे वो भी अच्छी, हाँ पिंक ढूंढो पिंक। दिखाओ वो भी तुम्हारा है। कितने की दोगे? ये आपके 800। हाँ 800 नहीं दूंगी मैं। हाँ हैंडमेड है जो भी है, 800 नहीं। ये कितने का दोगे? 600। पूरा मार्केट जानता हूँ। 600 तुम बहुत ज्यादा बता रहे हो। मुनासिब लगा दूंगा। ये भी दाम बंद हो गया। 500 में कर दो दोनों। इस स्टॉल में मुझे काफी ज्यादा रश नजर आ रहा है, चलें अंदर चल के देखते हैं। कप्स की भी इनके पास काफी अच्छी वैरायटी है। अच्छा प्राइसेस में अगेन कहूंगी बहुत रीजनेबल है, लाइक बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आगे हम अंदर जाएंगे ना तो यही चीज बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। ये अच्छा लग रहा है, और भी बहुत सारी वैरायटी है। सी कितने क्यूट लग रहे हैं कप्स। ये कप कितने का? 200 रुपए का। सही है यार, अगर आपको कहीं रमजान के लिए कुछ लेना हो ना तो आप जरूर इस स्टॉल को विजिट कीजिएगा। ये इसमें भी काफी सारे आपको डिजाइन वगैरह मिल जाएंगे। और ये वाला जो कप का है ये ये आपको बनेगा 600 रुपए। 600 रुपए का पूरा जी, ठीक है। और इसका बताएं, ये सॉसेस वगैरह के लिए ना, ये एक एक पीस 200 रुपए का। 200 रुपए का एक पीस ये 600। और ट्रे 500 रुपए का ट्रे। अच्छा 500 का ट्रे और 200 रुपए का, ठीक है। काफी अच्छी इनके पास जो है वो क्रॉकरी है, और बहुत ज्यादा रेंज है। 700 रुपए का, वाह अच्छा लग रहा है ना। एंड फिर ये आगे जो है वो सारी मसाला और नमक वगैरह, ये कितने का? 200 रुपए ईच। इसमें आपको सारे लाइक डिजाइन मिल जाएंगे, ठीक है। कितने क्यूट फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। रमजान में काफी काम आती है नमक के लिए, चाट मसाला और ये सारी चीजों के लिए। और ये वाला बताएगा 250। अच्छा प्राइस सही है ना, रीजनेबल है। पोस्टर्स हैं, ओ कितने क्यूट लग रही है। और ये वाला 250, कितने क्यूट लग रही है। एंड काफी आगे जो है वो बोल्स वगैरह ये सारी चीजें, ट्रेज हैं, फिर ये सूप के जो है वो चम्मच हैं। ये भी आप जो है वो सॉसेस वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। ये कितने का पीस है? एंड ये भी ये वाला आगे, फिर ये रमजान में केचप वगैरह के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। ये सी कितने क्यूट लग रहे हैं। नहीं नहीं 300 लगाओ। ये वाला कितने का है? 300 रुपए ले जाओ। 150 रुपए, 150। अच्छा इसी स्टॉल में ही आपको प्लेट्स की भी काफी ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी। ये सेट्स में मिल रही है आपको। एंड सी काफी सारे इसमें डिजाइन है। ये वाला अच्छा लग रहा है, कितनी प्यारी लग रही है ना। ये वाली कितनी अच्छी लग रही है। इस स्टॉल पर मुझे हील्स की बहुत अच्छी वैरायटी नज़र आ रही है, और काफ़ी सारी ब्रांड्स मैंने यहाँ पर स्पॉट की हैं। वाइट वाले कितने की है? 1500 भी अच्छी लग रही है, ये बहुत बड़ी है। ये अगर मैं ये पहनकर कहीं जाऊंगी तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैंने ये हील्स जो है वो संडे बाज़ार से ली हैं। इतनी ज़्यादा ये अच्छी और बिल्कुल न्यू लग रही हैं। लैम्प कितने का है? अवदा लैम्प से 2500। बिल्कुल ओके ओके तो है, लेकिन महंगा बहुत है। ये मोबाइल स्टैंड है 700 का, और ये वाला जो है 450 रुपीज़ का है।
बट आई गेस दराज पे इससे ज़्यादा रीजनेबल प्राइस रेंज में मिल जाता है। एंड ये वाले ये वाइट वाला भी इसमें अपना फ़ोन रख के ना लाइक वीडियोस वगैरह देख सकते हो। इसमें ये वाला भी है 1000 रुपये का ब्लश है पिक्सी का। और ये वाला शी ग्लैम वाला 1200 रुपये का। इस तरह के मेकअप स्टॉल्स आपको संडे बाज़ार में बहुत मिलेंगे। ये लोग ये क्लेम करते हैं कि ये मेकअप जो है वो ओरिजिनल होता है बिल्कुल 100%। आप इसको स्कैन भी कर सकते हो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ओरिजिनल है। विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल ये वाला 2000, ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये कितने की है? ये वाली 250। ये क्या है? ओह ये इयररिंग है। अरे अलग अलग है, एक पे बना हुआ है एक पे बना हुआ है। ये भी अच्छा है पाइन एप्पल वाला है ना। ये कितना अच्छा लग रहा है, इसके चेन चेन में भी कलर है। ओह ये रिंग्स हैं, आजकल ये बड़ी चल रही हूँ पता है। आउटफिटर्स पे ये कोई 3500 रुपये का इतना सा पैकेट था, नहीं वो मजाक उड़ाया जा रहा था। ये कितने का है? 1750 का। कितना क्यूट लग रहा है ये ना। रमजान में ना इससे चॉप कर सकते हो आप, इसमें कॉइन्स वगैरह आप डाल सकते हो। 500 रुपीज की है ये। बिल्ली है, बच्चों के खेलने की चीजें है और ये, लेकिन इतना क्यूट लग रहा है। इसको अगर आप किचन में या कहीं रखोगे भी तो नजर भी नहीं आना। ये जैकेट कितनी प्यारी लग रही है, इस पे ये ना पैचेस बने हुए हैं। ये जैकेट कितने की है? 1500 रुपये की। ये वाली भी अच्छी लग रही है, लाइट ब्लू डेनिम। ये भी काफी सारे इनके पास व्हाइट शर्ट्स होती हैं, प्लेन शर्ट्स। रूम के सामने भी आप बिछा सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ फाइनल 800 है, कम नहीं होंगे? 500 फाइनल कर दोगे? अच्छा जी, तो शॉपिंग मेरी हो गई है कंप्लीट। अब मैं आप लोगों के साथ हमेशा की तरह हॉल शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने लिए थे ये आर्टिफिशियल प्लांट्स, 150 रुपीज़ का ये अंकल दे रहे थे। 300 रुपीज़ के मैंने 2 लिए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहे हैं। अच्छा इसके साथ ना मैंने एक पॉट भी लिया है, ये वाला पिंक कलर का। ये मुझे जो है वो आई थिंक 150 रुपीज़ का मिल गया था। इस पॉट में जब मैं अपने प्लांट्स डालूंगी ना तो आप देखिएगा एकदम अलग सा ही कुछ लगेगा। ये देखें कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब वो भी अच्छा लग रहा था वाइट कलर के पॉट में, लेकिन इस वाले पॉट के साथ ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा इसके बाद मैंने लिया है ये सिरेमिक वेज, ये भी बहुत क्यूट लग रहा है पिंक कलर का। आप लोगों को पता है पिंक मुझे कितना अच्छा लगता है कलर। ये मैंने लिया है 200 रुपीज़ का, हालांकि अंकल 400 रुपीज़ कोट कर रहे थे लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था तो ये मुझे बहुत सस्ता मिल गया। अच्छा फिर मुझे रैंडमली ये जो है वो हार्ट शेप ट्रे मिल गई, ये 100 रुपीज़ की मैंने ली है। इसके ऊपर ना आप लाइक कैंडल रख सकते हो अपनी, तो ये रख के कुछ इस तरह से लग रहा है, काफ़ी क्यूट एंड एस्थेटिक लग रहा है। आप लोगों के साथ मिलकर मैंने ये वाला पॉट भी लिया था। अच्छा ये प्लांट और ये जो पॉट है ये दोनों अलग अलग हैं, इसको मैंने जो है वो एक साथ कर दिया है और ये पॉट जो है वो रबर का है तो ये जुड़ के रह गया, अभी अलग नहीं हो रहा। खैर मुझे इसको अलग करना भी नहीं है। एक ये मैंने पॉट लिया है, इसमें मैं अपनी रैंडम चीज़ें यानी जो सेफ्टी पिन बॉबी पिन वगैरह होती है वो मैं इसमें अपनी डालूंगी। ये बोल अब तक की मेरी बेस्ट बचत बाज़ार फाइंड है, इतना ज़्यादा क्यूट है। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि संडे बाज़ार जैसी जगह पे इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। इस स्टॉल पर जो अंकल के पास चीज़ें थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग के बाद 400 रुपीज़ का मिला है। एक मैंने ये कोल्हापुरी भी ली है, 500 रुपीज़ की मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। ये पैडेड है, इसमें 7 साइज ही उनके पास अवेलेबल था जो कि इत्तेफाक से मेरे आ भी गया। एक ये मैंने दरी भी ली है, इसको मैं अभी खोल के नहीं दिखा सकती हूँ लेकिन आप लोगों ने इसको पहले ही देख लिया है जब मैं ले रही थी। एक ये वाली दरी और एक जो मैंने नीचे बिछाई हुई है अभी, ये दोनों मुझे 500 रुपीज़ की मिली थी। तो ये था मेरा मिनी हॉल। आई होप कि आप सब लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।